बैक टू फ्रेंड जस्ट पार्टी और आज के एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हम लोग ऐसे जा रहे थे, आप सटर ले ना, तो आप भैया की छुट्टी है, तो आज जा रहे थे इलाहाबाद घूमने हम लोग। और आगे आ गया टोल गेट, हम लोग मतलब पैसा नहीं देते, आधार कार्ड दिखा के, लोकल है ना हम लोग, सो लोकल के लिए फ्री रहता है, बस आधार कार्ड यहाँ का होना चाहिए, पास लगता है, लोकल के लिए पास लगता है, जो कि बनवाए नहीं है, आधार कार्ड से काम चलता है। तो अभी आ गया है आगे, तो क्या कहते हैं टोल बूथ, तो उसको हम आपको दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये आज यशु जी घर में रखे थे, तो इसको आज हम लोगों ने लगाया गाड़ी में, ये आप लोग देख सकते हो, दिखा दिए। हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, इतने समय हम लोग कहाँ पे हैं भैया? पांडर। अच्छा, ये अब हम लोग पांडर पहुँच चुके हैं, पांडर आगे बोर्ड है। अच्छा हाँ, आगे बोर्ड लगा है वो पांडर का, पांडर उमा। हम लोग पहुंच चुके हैं जिसरा, जिसरा मार्केट, और ये आप लोग देख सकते हो ये जिसरा की मार्केट है, पूरी पूरी मार्केट, मतलब जिसरा की मार्केट बहुत बड़ी है। हम लोगों को मतलब छीड़ी में या मतलब पांडर वांडर में कोई सामान नहीं है मिलता ना, मतलब बहुत सी ऐसे सामान है जो जिसरा के अलावा नहीं मिलता कहीं पे भी, फिर या जिसरा या फिर डायरेक्ट इलाहाबाद। तो अब जैसे ये भैया गए हैं वही टेलर्स के पास अपना कपड़ा देने के लिए, सिलने के लिए, बाद जाने मतलब कोई काम वाम नहीं है, जाना है कि मतलब बहुत ही ज़रूरी काम है, हम लोग बस ऐसे जा रहे हैं घूमने टहलने, और भैया की छुट्टी भी थी तो सोचे कहीं चलिए घूमते हैं, शायद आज आने का भी प्रोग्राम नहीं है ना, अभी आज घर भी नहीं है ना आए हम लोग, अभी देखते हैं भैया का जहाँ मन होगा वहीं पे ले चलेंगे वो कार अपनी। आप लोग देख सकते हो ये ओवर ब्रिज है, और ये गौनिया है, ये हम लोग गौनिया में इतने समय, ये फ्लाई ओवर है, वो ग्रीन फील्ड स्कूल जो पास से दिखाएंगे यहाँ पे, मतलब कि अभी जब से योगी जी हैं ना तब से पूरा अपना इलाका है सब एकदम मतलब मेंटेन करवा दिए, हमारी जो गांव की रोड है ना वो भी अब बनने स्टार्ट हो गई है, आधे से ज़्यादा तो बन गई है, जो रिंगमा मोड़ वाली रोड है वो पहले बहुत गंदी थी वो, और ये अभी अपनी गाड़ी फिर से आज खुल चुकी है, ये अपना ग्रीन फील्ड स्कूल के सामने हम लोग हैं, ये वही जो लाइट के लिए बोले थे ना, जो लाइट भी ऑर्डर किए थे बस वही लगवानी है, बहुत दिन से मतलब बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन लाइट लग नहीं पा रही है, बाहर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 होल है इसमें, पानी तो एकदम ख़त्म ही लग रहा है, भैया बोल रहे हैं कि जब से गाड़ी लिए हैं पानी वानी चेक हुआ नहीं है, और कंपनी वाले मतलब कोई भी चीज़ एकदम अच्छे से करते नहीं हैं, सो वही अभी लाइट के लिए भी देखेंगे, और पानी भी अभी चेक कराएंगे, ले आके पानी डाल रहे हैं, मतलब इसका अलग ही कुछ पानी होता है, अभी हमको इतना गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है। LED लाइट ले आके दे दी है, देखते हैं ये बना पाते हैं लगा पाते हैं कि नहीं, ये हम लोग बहुत दिन से परेशान थे, जब से मतलब खरीदे ना भैया तभी से ट्राई कर रहे थे कि अब लग जाए लेकिन लग नहीं पा रहा था, वो जो वहाँ पे 12 वाले मैकेनिक भैया वाले थे ना वो बोल रहे थे यार ये हमसे नहीं लगेगा, तो अभी ये ट्राई करते हैं ये लगा पाएंगे कि नहीं, जो भैया थे ना वो बोले कि यार हमसे हो नहीं पाएगा, तो अब मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को बेसिकली समझाता हूँ, वो जो LED लाइट है और जो फोर व्हीलर में मतलब जो पहले से स्पेस दिया है उन दोनों के बीच में मतलब बहुत गैप है, मतलब कि वो छोटा पड़ रहा है LED लाइट, तो बस वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, और ये अब नीचे गाड़ी वहाँ पे पहले खड़ी थी बोले कि नीचे उतारी, मतलब जो उनसे बड़े वाले मैकेनिक जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोले कि नीचे उतारो, तो देखते हैं फिर कोई जुगाड़, वो सब मतलब लाइट लग गई आगे और बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो उसके शेप का नहीं था ना, तो उसमें पीछे कार्डबोर्ड लगा के मतलब कैसे वैसे जुगाड़ भी करके लग गया है, बहुत टाइम वहाँ पर हम लोगों ने स्पेंड कर दिया, करीबन आधा घंटा तो आराम से लग गया होगा, छोटे से काम के लिए आधा घंटा लग गया। सो अभी मामा भांजा तालाब हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ठंड के लग रही है, शीशा चढ़ा लो। अच्छा शीशा नहीं तब दिखेगा नहीं ना बाहर का, बहुत ठंड लग रही है भाई, हम इतने से टी शर्ट पे, अब सोच रहे हैं जॉकेट पे आ जाए, भाभी आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? आगे तुम दोनों ये बताओ इलाहाबाद करने क्या जा रहे हो?
गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा भैया तो चलिए गाड़ी बनवाने के लिए आए थे, भाभी किस लिए आई? बुक लेने। किस चीज की? डीलेट। अच्छा भाभी डीलेट की, मतलब बुक लेने। हाँ वो बुक तो भाई आप बोल देते तो भैया भी ले आते। नहीं वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ओ भाभी को किसी के वो भरोसा नहीं है, तो आप भैया इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे काम लाम है नहीं, घूम टहर आई और जाप तो जो है अर्गर बर्गर पिज्जा पिज्जा डोसा सोसा। नहीं ये सब तो ठीक है, खाना पीना अच्छी बात है, हर दूसरे दिन हम लोग घर के बाहर ही निकले रहते हैं तो पैसे की वेस्टेज होती है। तो भाभी कोई नहीं वायरल है? नहीं कोई नहीं वायरल है, बाकी सब बुद्धिमान। भाभी आप इस बारे में मतलब क्या रोक टोक करना चाहती हैं कि भैया भी तो आपकी बुक ले आ सकते थे ना? कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका जवाब ख़त्म। मतलब सब लोग एक टाइप से घूमने के लिए आए थे। सो अभी रात बहुत हो चुकी है, मैंने एक नींद मार भी लिया, मैं सही बताऊँ तो भैया लोगों को अभी पता नहीं है, मैं एक नींद सो भी चुका हूँ, इसीलिए सीट बेल्ट लगा लिए थे, कहीं फिर ब्रेक लगते मान आगे न चले जाएं। सो ये अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया में है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, मतलब ये सब बन रही है। और इस एड से, ये जो एड हुआ है विमल का, इससे अक्षय कुमार की जो बेइज्जती हुई है वो मेरे हिसाब से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में किसी की भी नहीं होगी, हुई होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये मतलब अच्छा अक्षय कुमार की फ़ैन है ना, इसलिए अक्षय कुमार ने इतना बड़ा मतलब अपने जनता के साथ धोखा दिया है। वो बोला था मैं कभी गुटका का ऐड करूंगा नहीं, और अब विमल डायरेक्ट। आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं अक्षय कुमार की फैन? अक्षय कुमार एक बदतमीज हीरो है। गुड, आप भी सही बोल रहे हो, फैन जब हम आप हैं आप उनकी तो जाइए, उनके छत पे लटकी है। अच्छा ये सॉरी महेवा है, सॉरी ऐसे नैनी में भी है ना, हम सोचे नैनी पहुंच गए। और ये हम लोग आ गए महेवा, ये हम लोग आ चुके हैं नए पुल पे। अब ये आप लोग देख सकते हो, ये अभी हम लोग मतलब चढ़ रहे हैं, अब फिर अब मतलब फिर कहने का मतलब ये है कि मतलब कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये खाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस हुआ है इतना, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब बंदे आते हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं पढ़ने लिए। और ये देखिए ये जो अभी हम लोगों ने लाइट लगवाया ना, बस उसी का कलर चारों तरफ था, यहाँ पे टोल टैक्स हुआ बड़ा तेज। ये ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन जब हुआ था तो ये एग्जैक्टली टोल टैक्स हुआ था, अब ये टोल टैक्स हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, मतलब कोई रीजन हो गया उसका? जितना कंस्ट्रक्शन का चार्ज था वो गवर्नमेंट को मिल गया, तो भाई टोल टैक्स हटा दिया उन्होंने। नहीं मतलब कि और भी लंबे टाइम तक लगे रहने देते तो उनका गवर्नमेंट का और भी फायदा था। एक्स्ट्रा नहीं ले सकते ना, जितना भाई खर्च हुआ है उतना ही आप ले सकते हो ना, गवर्नमेंट उतना ही ले। अब ये टोल प्लाजा कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? ऑलरेडी बंदे ने जब कार परचेज करी है तब उसने रोड का टैक्स भरा हुआ है, अब आप उससे हाईवे के नाम पे ले रहे हो ठीक है, तो ज़्यादा थोड़ी ना ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये इस बार के महाकुंभ में कितना डेकोरेट हो गया था। और ये आप लोग देखो ये जो शाइन है ना, ये अपने मतलब लाइट की है जो अभी हम लोगों ने लगवाया है, और यहाँ में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कि अभी भी इस पुल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब अभी और योगी जी चाहते हैं कि इस पुल को और डेवलप करें और इसको डेकोरेट करें। ऐसा नहीं है, इसमें डैमेज आ गया था। अच्छा सॉरी मेरा कोई मींस नहीं था।
हम लोग खरीदने वाले हैं लंबोर्गिनी यूट्यूब के पैसे से। लेकिन कब, कैसे, कहाँ, जब वायरल होगी तब अब क्या कहोगी भाभी, ये गाड़ी सही है कि लंबोर्गिनी? नहीं भैया ये बात नहीं, गलत है, इतना कंफर्ट तो होता है लंबोर्गिनी में एकदम, आप मतलब वो ऑटोमेटिक भी रहती है ना। मैंने ये बार बार लाइट ऑन कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये बेफजूल का जाम। अच्छा सॉरी, रेड इंडिकेटर।